हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी मेरे बहन भाइयों को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, कल हम लोग आप लोगों को बताया था कि मार्केट गए थे दोस्तों, मार्केट सरोजिनी नगर गए थे। तो फ्रेंड्स, इतना मतलब गली गली चलना पड़ता है फ्रेंड्स। फिर ना बस में ना हम जाम इतना ज़्यादा लगा था, इतनी ज़्यादा थकान हो गई। तो फ्रेंड्स, घर में आने के बाद में मतलब रात 12 बजे सोए, क्योंकि दोस्तों पानी भी टंकी में खत्म गया था। तो नीचे टैंक से भैया को बोला था चढ़ाने के लिए, तो उसके चक्कर में हम लोग दोस्तों में 12 साढ़े 12 बजे तक जगी हूँ। और फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं थक चुकी थी। तो उसके बाद फ्रेंड पता क्या हुआ, फिर पानी वानी भर के खाना वाना तो जैसे तैसे बनाया और खाया। उसके बाद में दोस्तों इतनी ज़्यादा थकान थी, शोल्डर भी मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फ्रेंड्स, उठी हूँ मैं सुबह 9 बजे करीब, कार्तिक की क्योंकि छुट्टी थी, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक की भी आज छुट्टी थी, इसलिए कार्तिक भी बहुत आराम से सोया और मैं भी फ्रेंड्स सोई हूँ। और कार्तिक गया हुआ भी पुदीना लाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि रेनू है ना, पुदीना की चटनी बहुत अच्छी बनाती है। क्योंकि पुदीना ना उसको अच्छे से बनाने आती, मुझे नहीं आती चटनी बनाना, तो पुदीना की चटनी वो अच्छे से बनाती है। तो गया हुआ उसको ना 5 रुपए का पुदीना मंगाया नीचे भैया से, और हर्षू भी नीचे चला गया। तो फ्रेंड्स, अभी आने वाला होगा, तो आज हम बनाएंगे पुदीना की चटनी और देखते हैं कुछ पकौड़े वकोड़े। तो अभी कार्तिक लाने के लिए गए, मंगा के रख लेती हूँ, तो कभी भी काम आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप लोग, मेरा तकिया वकिया सब नीचे पड़ा, बेड भी देख सकते हैं, कम्बल वम्बल ऐसा पूरा बिखरा पड़ा है। ये सारा काम कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, कपड़ों का तो इतना ज़्यादा ढेर लगा ना कपड़ा है, धीरे धीरे करके है, तो 2-3 दिन में ही धो लूँगी, 2 दिन में। देखिए ये रहा, देखो कितना सारा, कितना अच्छा है ना, 5 रुपये पुदीना है इसका फ्रेंड्स। ना चटनी बनेगा और ना लग भी जाता है, इसको आप गमले में लगाओ ना, लग भी जाएगा, बिना जड़ के है पर लग जाएगा। इसको कोशिश करूँगी, मेरी बहन तो फ्रेंड गांव में लगा के आई थी नानी के वहाँ पे, और नानी बोल रही है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ना कड़ी पत्ता है, देखिए फ्रेंड्स ये कड़ी पत्ता है दोस्तों, ये ना बाहर बालकनी में रखा हुआ था ना, तो बंदरों ने इसको जाके ना, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से पूरा तोड़ के गमला वमला फेंक के चले गए थे, इतना अच्छा महक आ रहा है पुदीने का। तो फ्रेंड्स अभी मैंने ना देख लिया ना, अपने इसका ग्रो कर गया है फ्रेंड्स यहाँ से ना, वो फिर मैंने तोड़ दिया और अच्छे से पानी वानी डाल के इसमें रख दिया था। तो इतना बंदर बंदर ना फिर से इसको तोड़ के ना, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे उधर ना आपको दिखाती हूँ सामने ही नीम का पेड़, मैं ना अभी बैठ रही है। तो फ्रेंड्स मैं ना मतलब पंछी बैठते हैं ना तो अच्छा लगता है। और ऑलरेडी मैंने इनको खाना डाला था कि मुझे सुबह भी अगर थोड़ा लेट हो जाऊँ तो डालने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए ना कितना परेशान हो गए एकदम, है ना। तो फ्रेंड्स अब मैं चलती हूँ, मैं भी पुदीना वुदीना रख देती हूँ और ना चलते हैं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके थोड़े बहुत कपड़े वपड़े धो लेंगे, और थोड़े थोड़े करके धो लूँगी क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत थकी हूँ। और उधर ना रेन को भी मैंने बोल रखा है गेहूँ वेहूँ करने के लिए। तो फ्रेंड्स पहले सोच रही हूँ ना, थोड़ा ना तरबूज वरबूज रखा हुआ है तो खा लेते, क्योंकि एक तरबूज इसके पापा लेके आए थे। तो वो ना आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिए, और फ्रेंड्स जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डेली बेसिक ब्लॉग ला सकें। फ्रेंड्स आप लोग बने रहिए, कंटिन्यू बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, ये वाला तरबूज कितना अच्छा निकला है दोस्तों, वाला तो इतना बेकार था, बिल्कुल मीठा नहीं था, पैसे हमारे बिल्कुल समझ लो अब वसूल हो गए, क्योंकि दोस्तों ये ना 100 रुपए का तरबूज 2 लेके आए थे, तो उसके बदले में ये। तो फ्रेंड्स काट लिया हमने तरबूज, और दोस्तों बहुत ही मीठा तरबूज है, देख सकते हैं कितना लाल है। और दोस्तों हर सुबह सब्जी से इंतजार कर रहा है, और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। ये देखिए एक गिर भी गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए तरबूज। तो हे गाइस, हो चुका है हमारा सारा काम, और दोस्तों आज बहुत ही लेट काम खत्म हुआ दोस्तों, 4:20 हो गया है। तो जाके आज मेरा काम, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे फ्रेंड्स, और पानी भी आ गया। तो फिर मैंने ये सोचा कि जब पानी भी आ गया है, और फिर ना आधे कपड़े मैंने निकाल दिए थे, सोचा कि कल धोऊंगी, पर फिर पानी भी आ गया और फिर मैंने सारे कपड़े धो लिए, आपको दिखाते चल के। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारी बन रही है मैगी, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी मैगी अभी बन रही है, और हर्षू है जो बिस्किट खा रहा है। तो फ्रेंड्स
ये देख सकते हैं जो हल्के पानी जमकर निचुड़ चुका था फ्रेंड्स, ये कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए। और देख सकते हैं बालकनी में बाकी सारे कपड़े पड़े हुए। ये पर्दा मैंने ऊपर से ढक दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ना आपको पता है ये कॉर्नर जो आप देख रहे हैं ना, इसके साथ है बंदर, और बंदर के ना पैरों से ना ये जो वाइट कपड़े मेरे पड़े हुए हैं ना, ये सारे गंदे हो जाएंगे। इस चक्कर में मैंने ना वो मेरी ये मेरी मैक्सी पड़ी हुई है और वो यहाँ से लेके वहाँ तक मैंने ये पर्दा कवर कर दिया है। कपड़े तो फ्रेंड्स बहुत हैं इसके नीचे, आप लोग देख सकते हैं ये कितने कपड़े पड़े हुए हैं ना, पूरे कपड़े हैं, पूरे कपड़े हैं। डबल डबल मैंने कपड़े डाल दिए और इसके पकड़ के पैंट पड़ी है। तो फ्रेंड चल रहा है पानी और टाइम हो गया 4:20, तब तक की फ्रेंड मेरे को भी भूख लगी हुई है और मम्मी का भी फ़ोन आया था, तो मम्मी कहती फिश लाने के लिए, कहती मछली खानी है तो मैं लेके आ जाऊँ। तो फ्रेंड आज मना कर दिया मैंने, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो फिर मार्केट जाएंगी और फिर और परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैंने सोचा आज मछली रहने देते हैं लाने के लिए। अगर कल तबीयत ठीक होगी, कल जाएंगे तो फिर कल बनाएंगे हम लोग मछली खाने में, रात के खाने में मछली बनेगी। और फ्रेंड चलते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग रही है और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है, देख सकते हैं आप लोग पेड़ कैसे हिल रहा है, पूरा पेड़ कैसे हिल रहा है। तो फ्रेंड चलते हैं, खाना खा लूँ पहले, मैगी वैगी जो बना रही हूँ वो खा लूँ, उसके बाद में फिर चलेंगे घर। रेनू भी सो रही है, मम्मी का फ़ोन आया तो उसने रिसीव नहीं किया, तो मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया कि मछली खानी है, तो ले आऊँ जाके मार्केट से। मैंने बोला नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आज अभी रहने दो जाने के लिए, कल चले जाना। तो फिर चलते मैगी खा लेते हैं, तब तक क्या वो कल की ब्लॉग में बने रही है और चल के दिखाते रहे वहाँ क्या कर रही है, वो भी सो रही है। तो घर पर चलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे पहले। तो गाइस हमारी मैगी बनकर रेडी हो चुकी है, देखिए पैन में ही खाऊंगी फ्रेंड्स मैं, क्योंकि मुझे ही खाना है, छोटा सा पैन है ये देख सकते हैं आप लोग, इसी में खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी आइए, आप लोग भी खा लीजिए और चलते फिर उसके बाद घर पे मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए आपने मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ पौधों के बीच में बैठी हूँ। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं और रेनू इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रहे थे, छत पे आए हुए थे, क्योंकि नीचे इतनी क्लियरिटी नहीं आती इसलिए हम लोग छत पे आए थे। ये हर्षू देख सकते हैं आप लोग, हाय कर दो फ्रेंड्स को, हाय नमस्ते कर दो, जोर से बोलो नमस्ते। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने, हर्षू यहाँ गाड़ी चला रहा है और चलते, रेनू क्या कर रही है नीचे वो आपको दिखाती हूँ। चलते देखिए मम्मी भी आ चुकी है छत पे, देखिए मम्मी आ गई छत पर, अभी भी आई है कहाँ, जेब में हाथ डाल के खड़ी हुई है, अंधेरा है फ्रेंड्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं अपना थैला रख देती हूँ मेरे छोटे वाले लड़के ने। हाँ गाइस देखिए कल आपको मैंने दिखाया था ना, ये लेके आई है रेनू, है ना, नेगेटिविटी नहीं आती है, तो लगा भी दिया है इसने इसको और अच्छा भी लग रहा है। देख के बताइए कैसा लगा, मुझे इसी वॉल पे लगाना चाहिए था या कहीं और लगाना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताइए। और मम्मी को तो मैंने आपको दिखाया, मम्मी आ गई है छत पे बैठी हुई है, अब बच्चे भी खेल रहे हैं। बनाएंगे गाइस अब हम बनाएंगे चाय, चाय बनाऊंगी गाइस, एकदम मसाला चाय बनाऊंगी उसमें सारे मसाले डाल के। हाँ मम्मी भी आ रही है, अदरक लहसुन सब डाल के अदरक लहसुन सब पड़ जाएगा, आज मसाले वाली चाय बनेगी, जिसको पीना है आ जाइए। मैं आइए नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको खुद ही अपने घर का एड्रेस मेंशन कर दूंगी। हाँ तो देखिए मम्मी भी आ गई है, हाँ मम्मी के घुटने दर्द हो रहे। गाइस ये टी शर्ट बताइए देखिए, हाँ कैसी लग रही है फ्रेंड्स, यही कल लेके आई थी, गोबर लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है। हाँ फ्रेंड्स अच्छी लग रही है, ये दो लेके आई है उससे ज्यादा लाइट है और ये लेकिन अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डार्क है लेकिन इसको ये पसंद नहीं आई है इसलिए इसने रेगुलर के लिए कर लिया है। और मैं तो कुछ लाई नहीं थी, मैंने जो कपड़े लेके आई हूँ वही, हाँ छटवा जो हुआ यहाँ मिलेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, अब जा रही है रेनू चाय बनाने के लिए और मुझे भी करेले छीलने हैं और अच्छे करेले बनेंगे। इधर मम्मी भी आके लेट गई है, है ना, रेनू जा रही है चाय बनाने के लिए, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। हाँ मेहंदी पीसूंगी। तो फ्रेंड्स आज मम्मी हरी मेहंदी लेके आई, खाना में गाइस मैं फल लेकर आई, कमेंट करके बताइए पहली बार लेकर आई तो नहीं पहली है और बहुत महंगा डब्बा मिला है, 100 का है फ्रेंड्स, मैंने 5 करवा के लिए थे ये फल, मैंने आज पहली बार देखा। नहीं फ्रेंड्स 5 थे इसमें, मैंने बोला 80 का दो, 80 का, 80 से कम मैं ज्यादा का नहीं लूंगी। इससे क्या होता है बोलने से, हाँ तो 80 का है फ्रेंड, ये मैंने 100 का बोल रहा था सरोजिनी नगर में पाने। तो फ्रेंड्स मैंने 80 का करवा के लिया, परसों भी लेके आए थे हम इधर मदनगिरी मार्केट से, 20 का एक, नहीं 20 का नहीं 25 का एक था, पर 20 का एक करवाया तो मैंने 60
रुपए के 3 लिए थे क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है मम्मी बीमार है, इसलिए लेके आई हूँ मैं। उनको जरूरत है नारियल पानी की भी वगैरह की, क्योंकि उनका बीपी वगैरह बहुत ज्यादा लो, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है इस चक्कर में। तो फ्रेंड्स अब जा रही चाय बनने के लिए। मेरा छोटा बेटा आ चुका है ना, इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही शोर हो रहा है, बहुत परेशान करता है। अंडे उठा लाया तो फ्रिज से भी तोड़ देता, हमें पता ही नहीं था कागज के अंदर रखे हुए थे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, हमारा ब्लॉग इतना ही है और रेनू भी वहाँ छुपी हुई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, चाय वाय पी लेते हैं। उधर का बड़ी आवाज लगा रहा है बाहर गेट पे। तो फ्रेंड्स आज के लिए हमारा ब्लॉग इतना ही रहेगा, आप लोग फुल वॉच कीजिए और प्लीज 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 पूरा का पूरा हमें सपोर्ट कीजिए और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग। तो फ्रेंड्स जब चाय बन जाती है, रेनू कह रही है उसके बाद भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, चाय बन जाती है उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस हमारे करेले कट चुके हैं और देख सकते हैं आप लोग, ये कट के इसमें नमक लगा के रख दिया ताकि इनका कड़वापन निकल जाए। और ये रही अम्मा हमारी जो नाखून काट रही है, वो रेनू मई पर हाथ इधर कहीं बैठी है, पता नहीं कौन सा हुक्म बना रही है ना। गाइस मैं कहीं जा नहीं पाती आपसे, तो दोस्तों ये कहीं जा नहीं पाती है। फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, हमारी ये चाय बनकर रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड जा रहे हैं अब चाय पीने के लिए और ये कप हमारे खाली रखे हुए हैं, तो जा रहे हैं गाइस अब हम चाय पीने। और जब तक ये करेलों में भी नमक अच्छे से लग जाएगा मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।